हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत से बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ और बच्चे, हस्बैंड सब लोग गए हैं दूसरी जगह। मैं सोसाइटी में ही हूँ, ये लोग मुझे बोले कि मैं नहीं गई। मुझे अब काम भी है तो मैं चाहूँगी, तो बहुत टाइम लगेगा, ये लोग लेट आते हैं। फुटबॉल वगैरह लेके गए बच्चे, वहाँ खेलेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँ, थोड़ा टाइम करूँगी, उसके बाद मैं घर पर जाऊँगी, अपना काम करूँगी। तो चलिए, बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, कैसा लगा जरूर बता दें। कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ आज, सब चले गए हैं। मैं उन लोगों के साथ जा रही थी, बच्चों के साथ, बट क्या बताऊँ, अभी लोग चले गए, फिर नहीं जाने थे। लेट भी हो जाता है सुबह सुबह, काम घर का ये वो, फिर आके बहुत वो लगता है। मैं चलूँगी तो फटाफट करूँगी उनको। आज थोड़ा लेट जाएंगे मेरे हस्बैंड काम पे, इसलिए। और हमारा ये डेली का यही रूटीन है, मॉर्निंग वॉक नाइट वॉक है, रहता ही है मेरा। खाना खाने के बाद नाइट में भी रहता है, मॉर्निंग में भी है मेरा। और सभी लोग रहते हैं, आज सब चले गए हैं, मैं अकेली हूँ। आंटी आ गई हैं गाँव से, तो फिर आंटी बिजी हैं, उनके घर में शादी है इसलिए। तो चलिए, बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर पे, अब मैं चल रही हूँ नहाऊंगी, नहा के फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से। मैं आज बनाऊँगी मसूर की दाल, मक्खा मसूर की दाल है ना, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। सीधी सी दाल और चावल बनाऊँगी मैं। नाश्ता वगैरह कुछ नहीं होगा आज मेरा, क्योंकि ओले में नहीं करना, बोले खोल दो विंडो, थोड़ा देवा ज़्यादा था तो विंडो खोल दी हूँ, उसी में वही बनाऊँगी। नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं बनेगा आज। चलिए, यही डेली का काम है। आज तो कुछ ज़्यादा अलग ही है, क्योंकि आज हस्बैंड लेट जाएंगे इसलिए, नहीं तब तक तो चले गए होते। 8:20 हो रहा है, 8 बजे वो चले जाते हैं। आज लेट जाएंगे क्योंकि कल लेट आए थे, तो इस वजह से। तो आज वो लेट जाएंगे, 11-11 बजे लगभग जाएंगे, नहीं तब तक तो गए होते। मेरा तो कब का रूटीन शुरू हो जाता। आज मैं भी आराम से लेट उठी और पानी में आया, भर के सो गई थी। तो मैं चलो थोड़ा टाइम मेरा वॉक भी हो जाए, लोग तो गए हैं, अभी लोग लेट आएंगे। और उन लोग के साथ में जाती तो बहुत टाइम हो जाता, मेरे घर का काम तो रुक जाता सर, तो इसलिए। तो चलिए, मैं नहा कर आती हूँ। Thank you.
राम का जब को आती देशों में बेकोर राम लक्ष्मण सीता बसिया लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ा है रघुपति की बहुत बहुत मड़ाए आ गए सब राउंड मार मार के या कूद के शाम को देखो मैं जा रही झाड़ू लगाने मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरा सब काम हो चुका है। मैं बीच में नहीं सूट की नहीं दिखा पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों को भी नहलाना धुलाना, उन लोग भी नहाए धोए सब काम था और उनको निकलना था काम के लिए, तो जल्दी जल्दी सब करना था, लेट हो रहा था। पूजा करने के बाद मैं सब किचन में लपड़ गई, तो देखिए मेरा किचन का सब फिनिश हो गया काम। अंधेरा आ रहा है थोड़ा, तो देख सकते हैं आप सब, देखिए यहाँ से देखिए सब काम मेरा हो चुका है। किचन भी साफ हो गए, सब कुछ हो चुका है, सब खा पी भी रहे हैं। दाल चावल जो मैंने बनाया था, मसूर की दाल और चावल, तो मैं क्या बोलने जा रही थी, यहाँ मैं जा रही थी अभी कपड़े डालने के लिए। जो मैं कपड़े धोई थी ना डाली नहीं थी, अभी सब ऐसे ही बाथरूम में पड़ा है। मैं जा रही हूँ अभी सुखाने के लिए, सुखा लेती हूँ। और मुझे ब्लाउज काटना है आंटी का, सामने वाली आंटी का, और मुझे टाइम भी नहीं है, मुझे जाना है मायके। फिर भी चल रही है, आज इनका मैं एक ये है मेरा वाला है। अच्छा तुम्हारा हाँ मेरा है। चलो साड़ी पहनोगे? साड़ी थोड़ी नहीं है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, येलो कलर का है। वो गई थी गाँव से लेके आई हैं, तो बोल रही सिल दो सिल दो, तो मेरी ठीक है। अभी उनका एक है भाई, बस आज मैं फटाफट चलूँ कटिंग करूँगी, कटिंग करके इसको सिल दूँगी, फिर जाने की अपनी तैयारी करूँगी। हाँ डांस दिखाता हूँ, बहुत डांस करेंगे, इसका बहुत डांस करने का रहता है। तो चलिए मेरा काम तो सब यही हो गया है, मैं कपड़े सुखा लेती हूँ। कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।